तो यूं तो हमारी धरती पर पक्षियों की एक से बढ़कर एक खूबसूरत प्रजातियां पाई जाती है, मगर हम बात करें फेलगंस की तो इन्हें पक्षियों का मगरमच्छ कहा जाए तो ये बात गलत नहीं होगा, क्योंकि ये हर वो चीज पर अटैक कर सकता है जो इसके सामने आ जाए। इसकी गिनती दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षियों में की जाती है। ये कुछ भी खा सकते हैं और हजारों मील का फासला एक उड़ान में ही तय कर सकते हैं। फेलगंस से जुड़े कुछ ऐसे ही खतरनाक और चौंका देने वाले वीडियोस को देखने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों आपको बता दें कि धरती पर फेलगंस की कुल 8 प्रजातियां पाई जाती है, जो केवल अंटार्कटिका को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। इनकी हर एक प्रजाति के अपने अलग गुण और विशेषता होती है। जहां व्हाइट पेलिकन सतह पर रहकर ही शिकार करते हैं, वहीं ब्राउन पेलिकन पानी के अंदर डाइव भी लगा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इनका वजन 5 से लेकर 15 किलोग्राम तक बढ़ सकता है। वहीं पंख तकरीबन 11 फुट तक लंबे हो सकते हैं। इनके चोंच काफी लंबे होते हैं, जिन पर एक थैलेनुमा संरचना होती है, जिसकी मदद से बड़े से बड़ा शिकार आसानी से पकड़ सकते हैं। आपको बता दें कि फेलगंस की नाक नहीं होती, ये अपनी चोंच की मदद से ही सांस लेते हैं और अपनी चोंच में तकरीबन 12 लीटर तक पानी स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि इतना भारी भरकम होने के बावजूद फेलगंस 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और हजारों मील का फासला एक ही उड़ान में तय कर सकता है। इसकी औसत आयु की बात करें तो ये 30 से 50 सालों तक जिंदा रह सकते हैं। ये पक्षी काफी आक्रामक और भुक्कड़ होते हैं। इन्हें दिन में 2 से 3 किलो मांस या फिर मछली की जरूरत होती है। ये हर साल साइबेरिया और रूस जैसे देशों से उड़कर एक लंबा सफर तय करते हुए इंडिया तक आते हैं। सर्दियों का सीजन शुरू होते ही इंडिया में इनका आगमन शुरू हो जाता है और फरवरी से लेकर अप्रैल तक इनका ब्रीडिंग सीजन चलता है। इन पक्षियों के साथ एक काफी अलग बात यह है कि प्रजनन के समय नर का रंग गुलाबी और मादा का रंग नारंगी हो जाता है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो ये प्रजनन के समय होने वाले हार्मोनल चेंजेस के कारण होता है। दोस्तों आपको बता दें कि ये पक्षी पानी के किनारे जमीन पर ही अपना घोंसला बनाते हैं और एक बार में तकरीबन 3 से 4 अंडे देते हैं और अंडे से बाहर आने के बाद बच्चों को तकरीबन 3 सालों तक अपने साथ ही रखते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि फेलगंस साफ पानी के झीलों और नदियों में ही रहना पसंद करते हैं। ये पॉल्यूशन जगहों पर नहीं रह सकते। पिछले कुछ सालों में बढ़ते प्रदूषण और शिकार के चलते फेलगंस की संख्या लगातार कम होते जा रही है, और अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो अगले कुछ सालों के अंदर हमें फेलगंस देखने को नहीं मिलेंगे, यानी कि ये भी पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे। दोस्तों आज की जानकारी कैसी लगी और क्या आपने कभी फेलगंस देखा है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज की इस वीडियो से कुछ नया जानने या सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।